मेरे भारत देश के सभी पीड़ित साथियों को मैं एडवोकेट अमित। साथियों, लॉकडाउन के समय में काफी लंबे समय तक हम लोग घर पर हैं, व्यापार की स्थिति भी चौपट लगभग हो चुकी है, अधिकतर नौकरियां भी लोगों की जा चुकी हैं और पिछले 5 वर्षों से चिटफंड कंपनियों के निवेशक पल्स, सहारा, रोज वैली, क्विल, न जाने कितनी कंपनियों के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने पैसों के लिए। मैं PACL इंडिया लिमिटेड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने पहले हम लोग, मैं, रविशंकर गौतम जी, रामदेव गौतम जी, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से मिले, जनहित याचिका के लिए हम लोगों ने बात की, क्योंकि 2 फरवरी 2016 को जो निर्णय हुआ था उसके बाद आज तक हम लोगों का पैसा नहीं मिल पाया, सभी लोग घबरा करने में लगे हुए हैं। साथियों, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग यदि हमारा साथ देना चाहते हैं, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हमारे सभी जिलों के साथी अपना नाम और अपने जिलों की सूचियाँ तैयार करें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हम तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे। और उन सीनियरों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, चाहे मैं किसी भी जिले के रहे हों सीनियर, जो आज हमारा साथ नहीं दे रहे, पूर्व में भी साथ नहीं दिया और सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, आज भी लोगों को घुमराह करके ऐसे सीनियरों को भी चेतावनी देना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ, सुप्रीम कोर्ट में तो हम लीगल लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम कंपनी के मैनेजमेंट को और उन सीनियरों को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मैं ये आखिरी चेतावनी याद देना चाहता हूँ कि उन सीनियरों को, चाहे वह आगरा मंडल के रहे हो, चाहे वह इलाहाबाद मंडल के रहे हो, चाहे वह गोरखपुर मंडल के रहे हो, जहाँ के भी सीनियर्स होंगे और जो साथ नहीं देंगे, उनकी उनके घर पर जाकर पूरे बल के साथ वह हालत की जाएगी जो आज तक उन्होंने सोची नहीं होगी। और यही मैं इस चेतावनी निर्मल सिंह बंगू और उनके चमचों को देना चाहता हूँ, जो आज भी छुपकर बैठे हुए हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो पल्स निवेशकों के बारे में नहीं सोच रहे, उनको भी आखिरी चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि